नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट इंडिया में। दोस्तों, अगर आपको याद है तो हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये जो केबल आपके सामने अभी दिख रहा है उस केबल के बारे में मैंने बताया था और इस केबल का नाम है HDMI टू VGA कन्वर्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस केबल का यूज़ करते हो तो आपको टीवी ट्यूनर लेने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल 400 या 500 रुपये में आपका काम बन जाएगा, मतलब मॉनिटर में आप टीवी देख पाओगे। तो अगर ऐसा आपने केबल ले लिया है और अगर आपको आउट ऑफ रेंज आ रहा है आपके मॉनिटर में, तो उसके लिए ही मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया। तो उसका उपाय क्या है और हम उसके लिए क्या करें, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा मॉनिटर है, SR का मॉनिटर है, जो आप लोग कंप्यूटर के लिए भी यूज़ करते हो और जिसके लिए आप ये केबल लाए हो। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा कि इस सेटअप बॉक्स में वो LED को कनेक्ट करूँगा HDMI टू VGA केबल से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये हमने लगा दिया। अब हम ये HDMI केबल उस सेटअप बॉक्स में इनपुट करेंगे। दोस्तों, ये अभी मेरे पास जो बॉक्स है वो है सॉलिड का, है 6141 का। आपके पास भी कोई MP4 का, MPEG-4 का ही सेटअप बॉक्स होगा तो यहाँ पे मैं इनपुट कर लेता हूँ। तो ये मेरा बॉक्स भी ऑन है, आप देख सकते हो। अब हमारी LED में क्या आ रहा है, इनपुट नॉट सपोर्ट। आपके LED में आउट ऑफ रेंज भी आ सकता है। यहाँ मैं जूम करके थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि यहाँ इनपुट नॉट सपोर्टेड ऐसा आ रहा है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसका मैं आपको एक सचोट उपाय दिखा रहा हूँ। ये अभी उसमें केबल इनपुट है HDMI उस सेटअप बॉक्स से, इस SR की मॉनिटर LED में, लेकिन वहाँ पे नहीं आ रहा है। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपके घर में कोई TV होगी या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई TV का आपको यूज़ करना है जिसमें ये ऑडियो वीडियो का केबल हो, तो आपको क्या करना है कि ये केबल तो उसमें कनेक्ट करके ही रखना है। फिर आपको ये जो ऑडियो का केबल है, ऑडियो वीडियो का, वो यहाँ सेटअप बॉक्स में इनपुट कर लेना है। तो हम इसे इनपुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही पिन इनपुट की तो यहाँ पे ये नो सिग्नल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है कि उसके मेनू में जाना है। तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल सा, मतलब ऑडियो का, ऑडियो वीडियो की पिन है तो उसमें तो कनेक्ट हो ही जाएगा, उसमें कोई रेजुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो ये हमारा केबल है उसको रेजुलेशन सही चाहिए, कौन से LED आपने यूज़ की है, उस LED का क्या साइज है, वो सब पढ़ने के बाद ये सिग्नल भेजता है। तो यहाँ पे हम मेनू में चले जाते हैं। आपको भी दोस्तों कोई भी सेटअप बॉक्स यूज़ करते हो यही काम करना है, तो ये ध्यान से देखना। और यहाँ पे ये हम आ गए मेनू में और यहाँ पे हम जाएंगे वीडियो सेटअप में। वो ये हम गए वीडियो सेटअप में और यहाँ पे लास्ट में दोस्तों देखो ये 10 ऐसे लिखा है रिजुलेशन, वीडियो रिजुलेशन, उसको हमें चेंज करना है। उसको आपको केवल क्या करना है, ऑटो कर देना। तो अब जैसे हम ऑटो करेंगे तो उस LED में सिग्नल आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये यहाँ पे भी उस LED में, SR वाले LED में वो आ गया है। तो दोस्तों, ऐसा सिंपल सा सेटिंग है और ये सेटिंग आप नहीं करते तो कभी नहीं आएगा वो। कुछ LED में तो डायरेक्टली हो जाता है कोई भी साइज हो, और यहाँ पे कोई भी सेटअप बॉक्स अगर आप ऑटो पे रखते हो तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर लेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे का कारण ये है कि मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, SMS आ रहे थे, ईमेल भी आ रहे थे और बहुत सारी कमेंट भी आई है कि भाई ये जो हमने केबल ले ही तो लिया है लेकिन हमारी LED में तो नो सपोर्ट या फिर इनपुट जो है वो गलत है, ऐसा मैसेज आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से पूरा देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम हमारा जो HDMI टू VGA का कन्वर्टर का केबल है उसको सेटिंग कर सकते हो। और दोस्तों, ये जो बॉक्स है मेरे पास अभी, ये बॉक्स था, आपके पास कोई भी एयरटेल, वीडियोकॉन, कोई भी कंपनी का बॉक्स है
उसमें ये वीडियो रेजोल्यूशन का जो सिस्टम है जो मेनू में आता ही है वीडियो सेटअप में, तो दोस्तों आपको यही करना है और सिंपल सी बात है कि वो कनेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप अभी जो केबल खरीदोगे तो आपको भी ये सेटिंग करना आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। तो दोस्तों आज के वीडियो में था बस इतना ही, अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।